दोस्तों, जब भी कभी हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन कौन सी कंपनी बनाती है, तो दो ही कंपनी है जो सबसे ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन बनाती है। एक है सैमसंग और दूसरी है एप्पल। इनके फ़ोन जो होते हैं वो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, एक और कंपनी आ रही है जो इनसे भी महंगा अपना स्मार्टफोन लेकर के आ रही है। जी फ्रेंड्स, वो कोई और कंपनी नहीं है, वो है Xiaomi। Xiaomi की तरफ से आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है Mi Mix Alpha। इस फ़ोन की जो प्राइस रहने वाली है तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। 2.5 लाख रुपए का ये स्मार्टफोन आ रहा है दोस्तों। सोचिए तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ Mi Mix Alpha के बारे में बताने वाला हूं। आप इस स्मार्टफोन को बेशक परचेज ना करें, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फ्यूचर में आपको कैसे कैसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ दोस्तों मैं आपको Mi Mix Alpha के बारे में बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तु टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी डिजाइन और लुक वाइज की, तो अनबिलीवेबल, मुझे शॉक्ड हो गया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था। 7.9 इंच की यहां पे आपको फ्लेक्सिबल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले मैं आपको बता दूं 180% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आती है। अभी तक दोस्तों आपने सुने होंगे 90% या 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है, लेकिन यहां पे आपको 180% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। तो सोचिए डिस्प्ले कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। और हां दोस्तों, यहां पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और बीच में यहां पे आपको एक पतली सी स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, उसी में आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं। और हां दोस्तों, लुक वाइज आप जैसा कि देख पा रहे हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इसमें किनोर में, बैक में, फ्रंट में सारी साइड यहां पे आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है। और हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कैमरे जो है वो दिए गए बैक में ट्रिपल वाले, इसमें कोई फ्रंट कैमरा नहीं है। यहां पे जो बैक के ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं वो 108 मेगापिक्सल का रियर सेंसर देखने को मिल रहा है। 20 मेगापिक्सल का दोस्तों यहां पे आपको वाइट एंगल सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और 12 मेगापिक्सल के यहां से आप टेलीफोटो लेंस दिया गया है जहां से आप अपने फोटो को क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप फ्रंट के कैमरे से फोटो क्लिक करेंगे तब भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करना पड़ेगा, और बैक का कैमरा आपको यूज करना है तब भी आपको 108 मेगापिक्सल का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैमरा वाइज कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोचिए 108 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला या बैक वाला, कितने ज्यादा कमाल के फोटो आने वाले हैं। वैसे दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अब दोस्तों जो कैमरेज आते हैं, DSLR आते हैं, उनका तो काम ही धीमे धीमे खत्म होने वाला है। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में बताएं। हाँ दोस्तों, बात करें इसमें कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इतना ज्यादा हाई लेवल का स्मार्टफोन है तो प्रोसेसर भी कमाल ही का देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि इस टाइम पर क्वालकम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है, हाई प्रोसेसर है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस भी कमाल की रहने वाली है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी की, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बैक, फ्रंट, साइड में सब तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो 4050 mAh की मिलती है। हाँ, थोड़ी सी कम है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें आपको 14 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो जिससे कि आप अपने फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर पाएंगे। हाँ, बैटरी कम है लेकिन चार्ज बहुत जल्दी कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चाइना में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इंडिया में कब तक आएगा ये दोस्तों मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिया में अगर ये 2.5 लाख रुपए की प्राइस में आता है दोस्तों, तो बहुत कम लोग इसको एफर्ड करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इस स्मार्टफोन को इंडिया में लेकर के आए तो वो कम प्राइस में लेकर के आए। और हाँ दोस्तों, ये तभी तक इंडिया में आ पाएगा जब तक 5G आ पाएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको पता है इतना अच्छा स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियसली 5G स्मार्टफोन है, क्योंकि चाइना में तो 5G लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा तो 5G ही देखने को मिलेगा, लेकिन कब, जब इंडिया में 5G नेटवर्क आ जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते एक चीज और कहना चाहूंगा, ये कंसेप्ट फोन है, मतलब अभी ये यूज करने के लिए नहीं है, बहुत जल्द आपको ऐसे स्मार्टफोन यूज करने के लिए देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको बताया दोस्तों, ये फ्यूचरेबल स्मार्टफोन है, मतलब आपको फ्यूचर में ऐसे ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। क्या कमाल की टेक्नोलॉजी आगे ग्रोथ कर रही है, वैसे क्या लगता है दोस्तों आपको, हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोगों को भी पता चल सके जो फोन के मामले में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, वो देखें कि फ्यूचर में हमें कैसे कैसे स्मार्टफोन देखने को आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताई है Mi Mix Alpha के बारे में सारी जानकारी। वैसे आपको इसमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है, कमेंट में जरूर से बता के जाना दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए
नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।